हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके पोको में। आज हम बात करेंगे सेट 3 दिसंबर में होने वाले बच्चों के मंथली टेस्ट के डेट शीट के बारे में और सिलेबस के बारे में जो आज आ चुकी हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रही डेट शीट सेट 3 के दिसंबर में होने वाले पेपरों की। सबसे पहले है तीसरी क्लास, जिसके है 16 तारीख को हिंदी का, 18 को मैथमेटिक का है उनका, 20 को इंग्लिश का, 22 को ईवीएस का है। फिर से आगे आते हैं तो चौथी क्लास का है 15 तारीख को मैथ का, 17 को हिंदी का, 18 को ईवीएस का है, 21 को इंग्लिश का, बाकी दिन उनकी छुट्टी रहेगी। छठी का है साइंस का। फिर है उनका 17 तारीख को मैथ का, 18 को है हिंदी, 20 तारीख को उनका संस्कृत उर्दू पंजाबी, 21 को है सोशल साइंस का, 22 को है इंग्लिश का। आगे है पाँचवीं क्लास का है इंग्लिश का, 15 तारीख को, 17 को मैथमेटिक का है उनका, 18 दिन की छुट्टी रहेगी। ईवीएस का है 20 तारीख को, किसकी छुट्टी है उनकी। हिंदी का है 22 तारीख का उनका। छठी क्लास का है 15 तारीख को साइंस का, और 17 तारीख का उनका मैथमेटिक का, 18 तारीख को है हिंदी का, और फिर है उनका संस्कृति या पंजाबी का, फिर सोशल साइंस का। हमें गलती की है यहाँ पर हमने छठी क्लास की दो बार बोल दी है, तो गलती को साइड में रखते हुए अगली देखते हैं। सातवीं क्लास का है 15 तारीख को मैथमेटिक का, मैथमेटिक, और 16 तारीख को उनका सोशल साइंस का, 17 को हिंदी का, 18 को साइंस का, 20 को इंग्लिश का, 21 को संस्कृत का व उर्दू जो ने एडिशन में ले रखा होगा, 22 को उनका ड्राइंग, होम साइंस, म्यूजिक। आठवीं क्लास को देखते हैं। आठवीं क्लास की है पहला इंग्लिश का पेपर है, फिर 16 उसको है उनका ड्राइंग का एडिशन वाले पेपर को होता है, 17 को उनका मैथमेटिक का, 18 का सोशल साइंस का, 20 को साइंस का, 21 उनकी छुट्टी रहेगी। बाकी आगे पटिशन वाले आगे कोर्स से 23 को उनका हिंदी का। तो आगे नाइन्थ वालों आपका है 15 का इंग्लिश का, 16 को है आपके संस्कृत उर्दू ड्राइंग पंजाबी जो भी आपने ले रखी है उसका है, 18 तारीख को है साइंस का, 20 को है हिंदी का, और 21 का है सोशल साइंस का, और 23 तारीख का है मैथमेटिक्स। अब आते हैं पर हमारी बोर्ड सबसे महत्वपूर्ण क्लास 10वीं की, इसमें इनके पहला पेपर होगा उनका 16 तारीख को जो कि इंग्लिश का है, फिर होगा 17 तारीख को जो कि हिंदी का है, फिर उनकी छुट्टी है बीच में, तैयारी करने का बहुत बढ़िया अवसर मिलेगा आपको बढ़िया से तैयारी करना। 20 तारीख को उनका साइंस का, और उनका फिर है एडिशन वाले संस्कृत संस्कृत पंजाबी या ऐसे या 22 तारीख को उनका मैथमेटिक का, और आखिरी पेपर उनका सोशल साइंस का। तो 10वीं वालों गुड लक, आपको बढ़िया नंबर आए, बढ़ के पढ़ाई करना। अब आगे आते हैं अपन 11वीं 12वीं क्लास में। तो 11वीं क्लास वालों, तो आपका 15 तारीख को है हिंदी का जो कि आपके रिसेस के बाद होने वाला है, और साइंस वाले वो या आर्ट वाले आप अपने हिसाब से देख लेना यहाँ पर। तो 15 तारीख को इकोनॉमिक होम साइंस का भी है जो कि आप पहले हो जाएगा आपका रिसेस से, एक दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। 17 तारीख को आपका सोशियोलॉजी बिजनेस स्टडी केमिस्ट्री का, आप 17 तारीख को है जो कि आपके छुट्टी से पहले या बाद में ले सकते हैं बाकी स्कूल के बाद होगा, उर्दू पंजाबी या एंटरटेनमेंटशिप का हो सका है,
तो 18 तारीख को आपकी छुट्टी रहेगी, 20 तारीख को का NSQF का सब्जेक्ट वालों का होगा, 20 तारीख को है बी कंप्यूटर साइंस का रिसेस से पहले, तो फिर है 21 तारीख को फिजिक्स, 21 को ये होगा बिफोर रिसेस को होगा, फिर आखिरी पेपर तुम्हारा, आखिरी नहीं 21 तारीख को ही आपका हिंदी का पेपर है, 23 तारीख को आपका है मैथमेटिक बायोलॉजी पॉलिटिकल साइंस और फाइन आर्ट्स। तो 11th वाले आप भी तैयारी करना बढ़िया से। अब आगे हमारी बोर्ड की क्लास 12वीं, 12वीं आप 12वीं क्लास वालों आपका है पहला पेपर है मैथ बायोलॉजी पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत पंजाबी उर्दू, 16 तारीख को आपका इंग्लिश तार इंग्लिश का और हिंदी और इंग्लिश दोनों का है, जो कि रिसेस से पहले या बाद में ले सकते हैं, वह आपका स्कूल पे डिपेंड है। आपकी 17 तारीख की छुट्टी रहेगी। सोशियोलॉजी का है भाई 18 तारीख और बिजनेस स्टडी और केमिस्ट्री का उसी दिन, इकोनॉमिक और होम साइंस वालों का भी है, फाइन आर्ट और म्यूजिक सोशियोलॉजी का है 20 तारीख को, केमिस्ट्री वाले ज़रूर ध्यान रखना, केमिस्ट्री के पेपर दे में आपके नंबर सही से नहीं आए तो अब की बार तैयारी कर लेना। तो 20 तारीख को कंप्यूटर साइंस जियोग्राफी का है, 21 तारीख की आपकी छुट्टी रहेगी, 22 तारीख को हिस्ट्री फिजिक्स अकाउंटेंसी एंड NSQF क्या पेपर है, 23 तारीख की आपकी छुट्टी रहेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो हमारे कमेंट में बताना। तो मिलते हैं हमारी एक और वीडियो में।